लोगों के पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही लोग परेशान चल रहे थे, अब कोरोना की दूसरी लहर आई तो और भी ज़्यादा लोगों को टेंशन भी है, और लोग काम काज जो बाहर कर रहे थे वो भी वापस आ गए हैं, तो परेशानी तो है ही। बिजनेस चौपट हो रखे हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि कब ये हालात सामान्य होंगे। इफेक्ट इतना है मार्केट के अंदर कि कुछ नहीं कह सकते, लोग अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। दूरी लहर से ये है कि अब ग्राहक जो है घर से निकलना बड़ा वो समझ रहा अपने को कि कुछ हो जाए या कुछ क्या। ये बताना चाहूँगा थोड़ी सी लापरवाही हमारी रही है, हमारे देशवासियों की रही है, और इससे बिजनेस में ये फ़र्क पड़ा है। जो स्टूडेंट एरिया है करणपुर, जो स्टूडेंट एरिया जाना जाता है, यहाँ के सारे स्टूडेंट चले चुके हैं, जो कि जितने भी हमारे बिजनेस थे सब उन्हीं पे निर्भर थे। कोरोना की दूसरी लहर से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, आप देख ही रहे हर जगह माहौल इसके विपरीत ही है। बाकी सुरक्षा के नाम पे सरकार ने कुछ ही नहीं कर रही। आम आदमी बहुत परेशान है, समझे, कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और लोग आप बहुत दिक्कत में हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित है और जो सारे कारोबार हैं वो सारे प्रभावित हैं।